फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, टाइप्स इसके हम करेंगे, इम्पोर्टेंस करेंगे। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड। दिस हेल्प कंपनी शेयर इन्फो ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद आउटसाइडर। इट्स बेसिकली अबाउट प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर लेंडर, इन्वेस्टर्स एंड अदर इंटरेस्टेड इन दिस डाटा। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारा बाहर का, ये नहीं कि इन्वायरमेंट जो हमारा नेचर होता है वैसा नहीं, यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंट जो हमारी कंपनी का इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हमारे कंपनी के इन्वायरमेंट को आउटसाइडर को शो करती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, अभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या चल रहा है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, जो इंटरेस्टेड हमारे डाटा के अंदर होते हैं, जिनको जानना है कि हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, हमारी बिजनेस का अभी इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, हम लॉस में चल रहे, प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो सब चीज़ें को शो करने के लिए इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। वो रिकॉर्ड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हमारी शो करती है। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड्स डिजाइन टू एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड पर मोर सस्टेनेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से टाइप होते हैं भाई इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के, बट हमें अभी फिलहाल तीन ही दिए गए हैं, तो हम तीन को ही कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट डिसीजन। अब देखो, साफ सी बात बोली गई है कि इन्वायरमेंटल जो हमारे अकाउंटिंग मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें बता रही है भाई इंटरनली क्या चल रहा है, मैनेजमेंट किस तरीके से डिसीजन ले सकती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाती है जिसकी हेल्प से मैनेजमेंट डिसीजन ले ले। दिस मेथड इंफेसिस मैनेजिंग रिसोर्स एंड मेकिंग इंटरनल डिसीजंस बाय आइडेंटिफाई, एनालाइजिंग एंड मेजरिंग द इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन। इट एम टू इंटीग्रेट दिस डाटा इनटू मैनेजमेंट सिस्टम टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ये जो मेथड है ये मैनेज करने में हेल्प करता है सारे इंटरनल डिसीजंस, और आइडेंटिफाई करता है कि भाई आप किस तरीके से उन चीज़ों का एनालाइज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको हुए हैं, और जो आपके बिजनेस के ऑपरेशंस आपने डन किए उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं, वो सब चीज़ें शो करने के लिए जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ों को मैनेज करता है और इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। भाई हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी किस तरीके से क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से किस काम हो रहा है, तो हम उन चीज़ों को इजीली मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। हेयर द फोकस इज़ ऑन इवेलुएटिंग एंड डिस्क्लोजिंग ए कंपनी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। दिस इंक्लूड असेसिंग इंडिकेटर लाइक एनर्जी यूसेज, सोशल इम्पैक्ट एंड ग्रीन हाउस गैस emissions. The goal is to provide a comprehensive understanding of the organization's sustainable development, increase engagement with the stakeholder and identify areas for enhancement. इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि जो चीज़ें सोसाइटी के लिए कंपनी करती है, भाई जैसे एनर्जी यूसेज है, सोशल इम्पैक्ट है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, वो सब चीज़ें डिस्क्लोज की जाती है सोसाइटी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज करती है कि भाई हमने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ें सोसाइटी के लिए की हैं ताकि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। जैसे कि आपने बहुत सी कंपनियों के अंदर सुना होगा कि इस कंपनी ने इतना डोनेशन दिया है, इतना ये सब किया है, तो वो डोनेशंस वगैरह इसलिए दी जाते हैं, एक तो आपका सोसाइटी के अंदर अच्छा नाम हो, दूसरी चीज़ टैक्स नहीं पे करना पड़ता आपको उस डोनेशन की अमाउंट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट फुल कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस अप्रोच कैलकुलेट द सोशल टू सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सर्विसेज और प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हिडन एक्सपेंसेस, ऑफन ओवरलुक्ड इन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाय ऑफरिंग अ डिटेल एनालिसिस ऑफ कंसेप्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, इट अनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बेटर इन्फॉर्म्ड बिजनेस एंड पॉलिसी डिसीजन एमिंग टू मिनिमाइज एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। फुल कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अब हमने पहले के अंदर मैनेजमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, दूसरे के अंदर सोसाइटी के अंदर बता दी, इसके अंदर फुल बोलना है तो मतलब सारी कॉस्ट को डिस्क्लोज कर देना, जितनी भी हिडन कॉस्ट लगाई है सोसाइटी के लिए है, इकोनॉमिकल है, मैनेजमेंट है, सारी जो कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट लगती हैं उन सब कॉस्ट को डिस्क्लोज करना, उन सब चीज़ों को शो करना, ये हमारी फुल
कॉस्ट डिस्क्लोज के अंदर आता है। अदर वेरिएंट्स फॉर द अकाउंटिंग अप्रोच इंक्लूड्स, फर्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग। दिस मेथड कंडक्ट एट द नेशनल लेवल स्पेशली फोकस ऑन एक्सटर्नलिस्ट एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। देखो कुछ अदर वेरिएंट अप्रोचेस हमें दी गई हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल नेशनल अकाउंट। इस मेथड के अंदर क्या होता है, नेशनल लेवल पे सारी चीज़ें फोकस की जाती हैं, भाई कितनी इन्वायरमेंटल कॉस्ट हमारी लगी है नेशनल लेवल के ऊपर। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न ऑन द रिपोर्टिंग इन्वायरमेंटल लाइबिलिटीज कॉस्ट अलोंग साइड्स अदर सफिशियंट इन्वायरमेंटल एक्सपेंसेस। इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी शो करती है, ये कंसर्न करती है जो भी रिपोर्ट हमारी लाइबिलिटी कॉस्ट जो भी लगती है हमारी अलोंग जो भी हमारी स्पेशल सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एक्सपेंसेस होते हैं उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमारी रिपोर्ट शो करती है। इन्वायरमेंटल फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारी रिपोर्टिंग होती है लाइबिलिटीज कॉस्ट की या फिर इन्वायरमेंटल एक्सपेंसेस की, उन सब चीज़ों को हमारी इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो करती है। हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज ग्रोइंग अमंग पीपल, प्रोटेक्टिंग बिजनेस पे क्लोजर अटेंशन टू इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। गवर्नमेंट्स आर टाइटनिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, मेकिंग इट विजुअल फॉर बिजनेस टू मॉनिटर देयर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स। देखो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के ऊपर अभी बहुत चीज़ें ग्रो हो रही हैं भाई। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के अंदर अकेली मैंने ये तो नहीं बताया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही दी जाती है, कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, नहीं सारी चीज़ें दी जाती हैं। कंपनी सोसाइटी के लिए दी करती है वो भी दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अभी कंपनियां जान रही हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस हमारी होगी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग गाइड्स बिजनेस इन बिकमिंग मोर इकोनॉमिकल फ्रेंडली बाय पिन पॉइंट एरियाज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कॉस्ट। देखो ये हमें चीज़ बताती है, जब हमें पता चलता है कि भाई ये चीज़ें हमारी जो बिजनेस है उसको इम्पैक्ट डाल रही हैं। अब हमारी कोई फैक्ट्री है, वहाँ से कोई गंदी चीज़ निकल रही है, कोई धुआं निकल रहा है, वो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। अब वो सोसाइटी को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि सोसाइटी के मन में ये आएगा कि भाई इनकी जो फैक्ट्री है वो अच्छी नहीं है, बंद करवाओ इसको, ये इम्पैक्ट कर रही है। तो उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हमें जब पता चल जाएगा कुछ चीज़ों का, तो हम उनके अंदर सुधार कर सकते हैं, है ना। हमारी कंजप्शन और प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से। तो उन सब चीज़ों को बताने में हेल्प करती है मीटिंग इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन रिक्वायर्स कंपनीज टू एड्रेस इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स टू अवॉइड पेनल्टीज एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एड्स इन द कॉम्प्लेक्स। हमें बताता है कि भाई गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट क्या चीज़ें बताती है, गवर्नमेंट ने क्या स्टैंडर्ड्स लगाए हैं, भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इन चीज़ों के ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं, हमें पता होगा कोई चीज़ तो हम उन चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ पता ही नहीं तो हम उन चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं। एनहेंस कॉर्पोरेट रेपुटेशन विद इंक्रीजिंग कंज्यूमर कंसर्न ऑफ इन्वायरमेंटल ए पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी रेपुटेशन कैन फोस्टर कस्टमर लॉयल्टी एंड डिफ्रेंशिएट ए कंपनी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि आपकी कोई फैक्ट्री है, वहाँ से गंदा धुआं निकल रहा है, गंदे कोई केमिकल्स निकल रहे हैं, तो लोगों के मन में वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। और अगर आप कोई अच्छे से काम कर रहे हैं तो आपकी एक रेपुटेशन बनी रहेगी, लॉयल बने रहेंगे कस्टमर कि भाई ये इन्वायरमेंटल को भी कोई इम्पेक्ट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव सारी चीज़ें कर रहा है। तो आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बहुत पॉजिटिव बनेगी और आपके जो ब्रांड्स हैं, आपकी जो कंपनी है उसके प्रति आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल रहेंगे। नेक्स्ट है असेसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एनेबल कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट इन्वायरमेंटल रिस्क, सेफगार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल डिजास्टर्स एंड प्रिवेनिंग रेपुटेशंस। देखो रेपुटेशन बनाने में तो हेल्प करता ही करता है, भाई आप सोसाइटी की कोई हेल्प करोगे, सोसाइटी के लिए काम करोगे, अच्छे से काम करें, सारा इन्वायरमेंटल मतलब आपका अच्छा है, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें आपकी अच्छी फैली हुई हैं, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो रेपुटेशन बनेगी, सेफगार्ड रहता है कि भाई कोई भी पोटेंशियल डिजास्टर अगर आता भी है तो आपके लिए वो चीज़ें सेफ रहेंगी, अगर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो। और आपकी रेपुटेशन तो बनी ही रहेगी, क्योंकि आप कोई भी काम गलत नहीं करेंगे तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज लोगों के मन में बनी रहेगी, उससे आपकी रेपुटेशन क्रिएट होगी, रेपुटेशन की हेल्प से आपका बिजनेस जो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी। बाय एनालाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बिजनेस कैन ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज लीडिंग टू कॉस्ट सेविंग एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट थ्रू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजप्शन। इम्प्रूव करने में हेल्प करता है रिसोर्स की एफिशिएंसी,
कि भाई उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस का रिसोर्सेज के ऊपर, तो उनकी कॉस्ट को सेव करने के लिए हमें पता चल जाएगा भाई ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें पूरा बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग कि भाई एनर्जीज को रिड्यूस करने में, कंजप्शन वाटर कंजप्शन को रिड्यूस करने में। अभी देखो हम कुछ चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि भाई हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आया है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं कंपनी के अंदर, इतना वेस्टेज हो रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है। जैसे अभी बिजली बिल हम लगा लेते हैं, बिजली से लगाएंगे तो हम सोचेंगे 1 लाख रुपए हमारी कंपनी के अंदर बिजली बिल आया है, तो हम ये देखेंगे भाई कहाँ बिजली वेस्टेज हो रही है ना। हमें पता चलेगा, हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ यहाँ बिजली का ज़्यादा यूज़ हो रहा है जितना नहीं होना चाहिए। तो उन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। अब आपके घर के अगर हम बात करें तो आपके घर पे अगर 1 महीने में ज़्यादा बिल आ जाता है तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मल फैमिलीज की अगर हम बात करेंगे मिडिल क्लास, तो वो क्या करेंगे, लाइट बंद कर दो इतना बिल आया, लाइट बंद कर दो इतना बिल आया, वो चीज़ें चलती रहेंगी। अब जैसे हमारे घर में ऐसा हुआ था, अभी हमारे घर में पिछले महीने बहुत ज़्यादा बिल आ गया, तो मेरी मम्मी हर बात पे ये लाइट बंद करके आओ, ये पंखा चल रहा है ये बंद करके आओ, ये एक्स्ट्रा चल रहा है ये बंद करके आओ, क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा आया है। उनको पता कैसे चला, जब बिल आया तब पता चला, तब तो पता ही नहीं था ना। तो उसी तरीके से एक बिजनेस के अंदर जब आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट मिलेगी, इन्वायरमेंटल रिपोर्ट मिलेगी, सोसाइटी की रिपोर्ट मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इमेज क्या चल रही है, आपके बिजनेस के अंदर आपकी रेपुटेशन क्या चल रही है, तो आप उन चीज़ों को सुधार सकते हैं, है ना। वही चीज़ दी गई। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग इनोवेशंस, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग फोस्टर इनोवेशन बाय प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी ड्राइविंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स ए ग्रीनरी फ्यूचर। अब हमें ये पता चल रहा है कि भाई सोसाइटी अच्छे से रह रही है, रेपुटेशन हमारी अच्छी है, तो अगर हमें चीज़ों को पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, तो हम नई चीज़ें इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, इनोवेशन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, ताकि नई चीज़ें इनोवेट होंगी तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। आपको पता चलेगा, देखो कोई मशीनरी ज़्यादा ज़्यादा वो कर रही है, बिजली ले रही है, या कोई मशीनरी ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रही है, इतने रिसोर्सेज यूज़ नहीं होते हैं, तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं से अलग मशीनरी मंगवाएंगे जो हमारी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से होगी, तो नई इनोवेशन हमारी कंपनी के अंदर होंगी। जैसे मैंने भी बिजली का बताया था, तो अब मेरी मम्मी को बहम हो गया, उन्होंने क्या किया, अब वो जो मीटर है वही पढ़वा दिया कि कहती मेरे मीटर में गड़बड़ है, नया लगवाओ। तो वही चीज़ है, अब इनोवेशन हुई ना, वो मीटर चेंज हुआ ना, तो वही चीज़ होती है कंपनी के अंदर। अगर कंपनी को चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि भाई ये मशीनरी इतनी चीज़ें खराब कर रही है, तो आप नई इनोवेशन की ट्राई करेंगे, नई नई चीज़ें इनोवेट करेंगे, तो कंपनी के अंदर नई नई इनोवेशंस होती हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वीडियो कंप्लीट हुई है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की हमारी, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी है, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करवाई। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।